बच्चों, कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कला एवं वाणिज्य इकाई 7 पढ़ रहे हैं, उसमें आय का रोजगार का निर्धारण किया सिद्धांत। तो आय के रोजगार के सिद्धांत में, तो आय के सिद्धांत के मतलब जो आय का सिद्धांत है समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख रूपों में यह देश की आय व रोजगार का इसमें अध्ययन किया जाता है। और इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में आय एवं रोजगार को सिद्धांत भी कहा जाता है। और अर्थशास्त्र में आय और रोजगार का निर्धारण के दो प्रमुख सिद्धांत है। तो पहला है आय का रोजगार सिद्धांत और दूसरा है किंस का आय व रोजगार सिद्धांत। तो आय के रोजगार के सिद्धांत के अंतर्गत अपन ने सिद्धांत की विशेषताएं पढ़ी थी और आय का रोजगार सिद्धांत क्या है इस विषय में पढ़ा था। पीबीओ मार्शल इसमें शामिल थे। उसके बाद इसमें आपने विशेषताएं पढ़ी आय के रोजगार के सिद्धांत की और मान्यताएं। अब है परंपरावादी सिद्धांत की आलोचना। तो जो आय का परंपरावादी सिद्धांत है उसमें जे एम किंस ने जो परंपरा सिद्धांत की आलोचना दी, तो सबसे पहले है कि परंपरावादी का यह मूलभूत निष्कर्ष ही गलत है। तो जो इसके सिद्धांत का जो मूलभूत निष्कर्ष है वह गलत है, क्योंकि एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार ही संतुलित होता है। मतलब आप कोई भी जो अर्थव्यवस्था है आप पूर्ण रूप से अगर उसमें स्वतंत्र है तो उसमें पूर्ण रोजगार भी मतलब जो रोजगार है वह कैसा है उसका पूर्ण रोजगार का संतुलन होता है। फिर उसके बाद उसमें एक तर्क है मौद्रिक मजदूरी में कमी करके रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। जो परंपरावादी सिद्धांत है उसका तर्क यह भी गलत है कि जो मजदूरी है अगर मजदूरी में कमी करके रोजगार को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। मजदूरी भी कमी करके श्रमिक की आय क्या होगी, अगर मजदूरी कम करेंगे तो श्रमिक की आय घट जाएगी और इससे मांग कैसी होगी, कम होगी। अगर श्रमिक की आय कम होगी तो मांग भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मांग के कम होने पर उत्पादन और रोजगार की बढ़ने की संभावना नहीं हो सकेगी। मतलब जो अगर आय कम हो जाएगी, मजदूरी कम हो जाएगी तो लोग काम में भी कमी करेंगे, इससे वस्तु का उत्पादन नहीं होगा और मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। किंस ने मजदूरी में कमी करके किसी एक फर्म की मतलब जो किंस ने बताई है अपनी परिभाषा कि अगर मजदूरी में कमी करेंगे और किसी एक फर्म में या किसी एक कंपनी में उद्योग में रोजगार को बढ़ाना संभव है तो उस पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था नहीं है। तो इसलिए मजदूरी में कमी करके एक फर्म के उद्योग को रोजगार बढ़ाना संभव हो सकता है, लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था में नहीं। उसके बाद है कि बाजार में जो बाजार में वस्तुओं की मांग और पूर्ति का बराबर होना जरूरी होता है। बाजार में वस्तु की जो मांग है उसमें पूर्ति का होना बराबर होना जरूरी नहीं है। ये परंपरावादी सिद्धांत की आलोचना के अंतर्गत है। क्या कहना गलत है कि पूर्ति अपने आप मांग का क्या करती है, निर्माण करती है। किंस के अनुसार बचत और विनियोग व्यापार मतलब जो किंस ने कहा है कि बचत और विनियोग ब्याज दर द्वारा नहीं लगाया जा सकता बल्कि आय का स्तर द्वारा लगाया जा सकता है। फिर 1929-32 के दौरान आई विश्वव्यापी महामंदी मतलब जो विश्वव्यापी महामंदी थी उसमें व्यापारिक आधार पर यह सिद्धांत कैसा रहा, परंपरावादी निष्कर्ष भी इसके गलत थे। इस प्रकार इससे स्पष्ट होता है जो परंपरावादी सिद्धांतों से स्पष्ट होता है कि आय व रोजगार के लिए परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के विचार सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टि से कैसे हैं, गलत हैं। तो ये हो गया आपका जो परंपरावादी सिद्धांत की क्या हो गई, ये आलोचनाएं हो गई। ये छोटे छोटे प्रश्नों में आपको पूछे जाता है, अगर पूछा जाए कि मतलब व्यवहारिक दृष्टि से आपको पूछा जाए कि परंपरावादी सिद्धांत की आलोचनाएं लिखिए, तो परंपरावादी सिद्धांत की आलोचनाओं में आपको तो सबसे पहले एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था सदैव कैसी होती है, पूर्ण और संतुलित होती है। और बाजार में वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर ना होना जरूरी नहीं है, यह कहना गलत है, क्योंकि पूर्ति अपने आप में मांग का क्या करती है, निर्धारण करती है। और किंस ने इसे विनियोग के
और ब्याज पे दर मतलब ब्याज की दर पर नहीं लगाया जा सकता। फिर उसके बाद है आपको बताते हैं कि किसका आय व रोजगार सिद्धांत क्या है, किसका आय व रोजगार सिद्धांत क्या है। तो किन्स ने आपको परीक्षा में हमेशा या कभी कभी चार या तीन नंबर का प्रश्न होता है कि किन्स का आय व रोजगार सिद्धांत क्या है, लिखिए। तो किन्स ने अपनी एक पुस्तक में समान सिद्धांत पर आय व रोजगार को समान सिद्धांत का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक उन्होंने क्रमबद्ध और वैज्ञानिक विश्लेषण किया, जिसके अनुसार मतलब उन्होंने बताया है कि इसका जो आय का सिद्धांत है, इसके अंदर एक अर्थव्यवस्था में आय व रोजगार का स्तर मुख्य रूप से प्रभावपूर्ण मांग पर निर्धारित होता है। मतलब जितनी मांग होगी, मांग का प्रभाव जहां पर अधिक होगा वहां पर एक अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का स्तर भी कैसा होगा, वहां पर प्रभावपूर्ण मांग पर क्या होता है, निर्धारित होता है। और प्रभावपूर्ण मांग में कमी होने पर बेरोजगारी का कारण, मतलब अगर मांग नहीं होगी तो श्रम भी नहीं होगा, तो लोगों को अगर श्रम नहीं होगा तो वस्तु का उत्पादन नहीं होगा, इससे उनको प्रभावपूर्ण मांग में कमी आने सर बेरोजगारी का कारण होता है। किंतु इसमें प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण दो तत्वों द्वारा होता है, पहला है सामूहिक मांग और दूसरा है सामूहिक पूर्ति। तो जो प्रभावपूर्ण मांग है वो दो तत्वों पर आधारित होते हैं, पहला होता है सामूहिक मांग और एक सामूहिक पूर्ति। तो सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं, वही साम्य बिंदु होता है, मतलब एक बिंदु, मतलब जो पूर्ति है सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति, अगर मांग होगी तो वस्तु की पूर्ति भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसलिए एक साम्य बिंदु है, मतलब यह बिंदु प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु भी होता है। इस प्रकार प्रभावपूर्ण मांग में बिंदु का अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा, मतलब जो कोई अर्थव्यवस्था है, मतलब कोई भी कार्य, मतलब कोई भी उद्योग है, कोई भी व्यवसाय है, उसमें अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगी तो रोजगार की कुल संख्या का उससे निर्धारण होता है। हॉकिंस के आय का रोजगार का सिद्धांत को समझने के लिए सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति को अर्थ को भी जानना क्या होता है, आवश्यक होता है। तो सामूहिक मतलब समग्र मांग भी कहते हैं और सामूहिक मांग भी कहते हैं। तो किन्स का आय का रोजगार का सिद्धांत काय पर आधारित होता है, इस पर प्रभावपूर्ण मांग पर इसका निर्धारण होता है। तो सामूहिक मांग से क्या तात्पर्य होता है, वो सामूहिक मांग एक अर्थव्यवस्था में, मतलब एक अर्थव्यवस्था उसके एक वर्ष के वस्तुओं सेवाओं की मांगी गई कुल मात्रा से, जो कोई वस्तु है उसकी जो वस्तुओं की और सेवाओं की मांगी गई कुल मात्रा से है। सामूहिक मांग से तात्पर्य उस राशि से होता है जिसमें उत्पादक रोजगार के एक निश्चित स्तर पर उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त होने से आशा करता है। और सामूहिक मांग को उस राशि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक निश्चित समय अवधि में, तब एक निश्चित समय में उसके परिवार, फर्म तथा सरकार अर्थव्यवस्था के उत्पादन के लिए क्या करता है, उसको अदा करने के लिए करता है। तो ये हो गया आपका किन्स का रोजगार सिद्धांत, जो दो बातों पर होता है, सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति। तो ये सामूहिक योग जो मांग होती है वह काय पर व्यय करने पर मांग उत्पन्न करती है और लोगों के द्वारा किए गए उत्पादकों के लिए भी आय। तो सामूहिक मांग से तात्पर्य आपको मैंने बताया कि एक वर्ष में, मतलब जो आपका एक वर्ष है एक अर्थव्यवस्था में, एक वर्ष के लिए वस्तुओं सेवाओं की, जो वस्तुएं होती हैं और उनकी सेवाओं की मांगी गई कुल मात्रा के, अर्थात सामूहिक मांग से तात्पर्य उस राशि से होता है जो उत्पादन रोजगार के लिए एक निश्चित स्तर पर, मतलब एक निश्चित स्तर पर वस्तुओं क्या कहा जाता है, उत्पादन कर वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त होने की आशा। अगर आप कोई भी उत्पादन करोगे तो उसको अगर आप उत्पादित करने के बाद उसकी बिक्री की भी तो आशा करोगे ना, उससे आपको क्या प्राप्त होगी, आय प्राप्त होगी। वो ये हो गया आपका सामूहिक मांग। सामूहिक फिर परिवार, फर्म और सरकार की विश्व में के द्वारा, मतलब जो
वस्तुओं और सेवाओं की मांग की जाती है। इस प्रकार है जो है जो सामूहिक मांग समग्र जो सामूहिक मांग या समग्र मांग है वह प्रमुख रूप से चार प्रकार की मांगों में शामिल किया जाता है। तो पहला है निजी और उपभोग मांग में कमी, मतलब जो उपभोग निजी और उपभोग की पूर्ति होती है उसमें एक देश के परिवार मतलब एक देश हो गया परिवार हो गया और अपने निजी उपभोग के लिए कुछ जो अपने खर्च करते हैं अपने निजी मतलब स्वयं के लिए जो खर्च करते हैं वह देश की निजी उपभोग व्यय कहा जाता है। तो व्यय की वस्तुओं की मांग में जैसे कि किसी उपभोग को व्यय करने पर बनाया जाता है उसमें आपको बताऊं कि आय अथवा उपभोग की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। उपभोग की प्रवृत्ति आय के विभिन्न स्तरों और उपभोग पर किया जाता है। फिर है निजी विनियोग की मांग। निजी विनियोग में मांग से तात्पर्य होता है कि पूंजीगत वस्तुओं की मांग जैसे किन्स ने विनियोग का अर्थ वास्तविक विनियोग से लगाया है। निजी विनियोग की कमी, निजी विनियोग की जो मांग से तात्पर्य होता है निजी विनियोगकर्ता के द्वारा पूंजीगत वस्तुओं की मांग से है। तो किन्स ने इसे वास्तविक इसका अर्थ उसने बताया है कि ये वास्तविक विनियोग से लगाया जाता है। तो वास्तविक पूंजीगत वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि से जैसे आपको बता दूं मशीनरी हो गया औजार हो गए कल पुर्जे हो गए कारखाने बिल्डिंग में कार भवन हो गया ये सब क्या है आपके वास्तविक विनियोग। तो विनियोग निजी विनियोग में मांगों का जो निजी विनियोग है वह दो तत्वों पर आधारित होते हैं। तो पहला होता है पूंजी की सीमांत कुशलता और ब्याज की दर, ये कैसे हो गए निजी विनियोग। फिर उसके बाद है सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की मांग। तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को क्या करते हैं खरीद सकते हैं। सरकार के लिए खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाएं ही सरकारी मांग कहलाती है। मतलब सरकार को भी वस्तुओं की क्या होती है आवश्यकता होती है उनकी उनको भी वस्तुओं की मांग होती है। तो सरकार द्वारा वस्तुओं सेवाओं की मांग सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं सेवाओं को क्या करते हैं खरीदी की जाती है। कि सरकार द्वारा ही खरीदी की जाने वाली वस्तुओं सेवाओं की क्या कहलाती है सरकारी वस्तुएं या सरकारी मांग कहलाती है। जैसे आपको बता दूं बड़े पैमाने पर जो सरकारी काम होते हैं वह सरकार द्वारा सड़क बनाई जाती है रेल नहरें बांध बिजली चिकित्सा ये सब क्या है न्याय सुरक्षा प्रशासनिक कार्य और ये सब क्या है सरकारी क्षेत्रों के लिए वस्तुओं के लिए मांग प्रयोग की जाती है। लेकिन सरकार द्वारा की जाने वाली वस्तुओं को एक निश्चित तारीख की व्याख्या नहीं की जा सकती। मतलब जो सरकार की आवश्यकता है उसको आप तार्किक मतलब वस्तुओं को किसी निश्चित तारीख की व्याख्या नहीं कर सकते क्योंकि इसके अनेक बातों पर क्या पड़ता है प्रभाव पड़ता है। और इसके अतिरिक्त सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विनियोग करती है जिसे निजी विनियोग या सार्वजनिक विनियोग भी कहा जाता है। मतलब इसमें अंतर होता है निजी विनियोग के उद्देश्य में इसमें सार्वजनिक विनियोग को सामाजिक कल्याण में ध्यान में रखकर किया जाता है। जो निजी विनियोग है वह सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर उनको किया जाता है। निजी विनियोग को प्रेरित विनियोग भी कहा जाता है और सार्वजनिक विनियोग स्वतः विनियोग कहलाते हैं। फिर है विशुद्ध निर्यात मांग की बात है। विशुद्ध निर्यात मांग विशुद्ध निर्यात मांग जब एक देश दूसरे देश में वस्तुओं का निर्यात करता है तो जो विशुद्ध निर्यात है निर्यात मतलब एक देश दूसरे देश में वस्तुओं क्या करता है निर्यात करता है और विदेशियों द्वारा उन वस्तुओं के उत्पादित मतलब उत्पादित वस्तु की मांग को बताता है। तो निर्यात में देश की क्या होती है उससे आय होती है उत्पादन और रोजगार को क्या मिलता है प्रोत्साहन मिलता है। इसके विपरीत जब एक देश दूसरे देश को वस्तुओं का आयात करता है तो देश की आय विदेश में क्या हो जाती है चली जाती है। मतलब अपन विदेशों से अगर कोई वस्तु मंगाएंगे तो अपनी आय में कहाँ चली जाएगी विदेश में चली जाएगी और आयात देश में वस्तु और रोजगार को बढ़ाने में सहायक नहीं होता। जो आयात है तो देश के उत्पादन और रोजगार को बढ़ाने में क्या नहीं होते सहायक नहीं होते। अतः देश की सामूहिक मांग को ज्ञात करने के लिए विशुद्ध ज्ञात किए जाते हैं विशुद्ध मांग को शामिल किया जाता है।
तो उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि सामूहिक मांग चार तो एक देश की सामूहिक मांग को ज्ञात करने के लिए विशुद्ध निर्यात की मांग को शामिल किया जाता है। इसमें निर्यात से आशय को क्या कर सकते हैं, जो निर्यात किए जाते हैं उनकी आयातों को क्या कर सकते हैं, घटाया जा सकता है। फिर उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सामूहिक मांग को चार मांग में क्या किया है, शामिल किया जाता है। इसने अपने विचार विश्लेषण को सरल बनाने के लिए सामूहिक मांग में केवल उपभोग मांग और विनियोग मांग को ही शामिल किया। तो आपको आज मैंने अर्थशास्त्र में इकाई 7 के अंतर्गत तो परंपरावादी जो सिद्धांत है उसके बारे में बताया, तो परंपरावादी सिद्धांत की आलोचना बताई और किन्स का आय व रोजगार सिद्धांत बताया और सामूहिक मांग क्या है और सामूहिक मांग को जो कितने मतलब जो सामूहिक मांग के प्रमुख रूप से चार प्रकारों की मांग इसमें क्या की गई है, शामिल की गई है, इसके विषय में बताया। आप इसको पढ़ोगे और ध्यान दोगे।